आर, दिस इज़ द फेमस चित्रकूट टेम्पल, द कामतगिरी टेम्पल। अब हम इसके बाद भी और कहीं पे जाएंगे। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं पता कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कौन सी जगह है। सो आई एम नॉट अ बिग पूजा फैन, बट दे आर, सो दे आर डूइंग देयर। सो दिस इज़ माई फेवरेट गली, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। बट एक्चुअली आई थिंक हमें आज नहीं मिलेगा, बिकॉज आज मैंने पहले से ही बहुत कुछ खा लिया है। सो आई थिंक अब हम यहाँ पे रुक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी जगह और एक्सप्लोर करनी है और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 3 PM। यहाँ पे रुक गए हैं, सब हम जो भी खाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये मेरे एक नेवले से मामा है, उनकी शक्ल भी दिखती रही है नेवले जैसी। अभी हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए हैं। आई डोंट नो कि मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा विजिबल, मतलब सॉरी, हेयरेबल है कि नहीं मेरी इंग्लिश। सो मैं अपना माइक भी नहीं लाई वहाँ पे, अदरवाइज मैं अपना माइक कनेक्ट कर लेती तो दैट वाज नाइस, बट कोई नहीं। अब हम लोग वहाँ से आ गए हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। इधर हाँ, तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो जिनको अभी चित्रकूट के बारे में नहीं पता है मैं बता दूँ, चित्रकूट मेरा होम टाउन है एंड चित्रकूट पिलग्रिमेज टाउन है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको मंदिर वगैरह ही मिलेंगे। तो इफ़ यू आर अ बिग पूजा फैन और मंदिर फैन, देन यू कैन कम हेयर एंड एन्जॉय, बट एज आई एम नॉट एन्जॉइंग। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो परिक्रमा है एंड इट्स 5 kilometers लॉन्ग एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ ऑल्सो, बट द गुड थिंग इज़ कि हम लोग बीच बीच में रेस्ट कर करके चल रहे थे। अदरवाइज नहीं, तू ही बोले आई थिंक मैम ना, अब से जहाँ पे भी जाऊँगी मैं अपना सब माइक वगैरह लेके जाऊँगी, बिकॉज तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहीं पे भी तो प्लान नहीं करता, मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए आई नहीं थी, बट अब अचानक से प्लान बन गया तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। आई विल शो यू कि यहाँ पे और क्या क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही सारे मंकीज़ हैं, उनसे भी मिलवा दूँगी आप लोगों को। पता इधर पर क्या हो रहा है, आई थिंक सो यहाँ पर लोग न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल बाय द वे। मैंने किस लिए है यहाँ पे, क्या था, जब राम जी अपने वनवास के लिए गए थे तो जो 13 और 12 years थे वो यहाँ रुके थे एंड 2 years वो कहीं और रुके थे। सो जो हम परिक्रमा कर रहे हैं जो 5 or 6 kilometers लॉन्ग है, वो हम उसी पहाड़ की कर रहे हैं जिसमें राम जी रुके हुए थे। एक और मुझे मंदिर दिख गया है। एक्चुअली ये परिक्रमा के रास्ते में बहुत ढेर सारे मंदिर मिलते हैं, उनमें से एक है। ए हटो यार तनु, अरे यार हट जाओ यार। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, बट इन लोग को तो पूजा करने से भी कोई फुर्सत नहीं, सबको बस अपनी फोटो 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 पड़ी हुई है। गौर से देखिए इन चेहरों को, इन फोटो के लिए तैयार चेहरों को। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 2 मिनट रुका जाता है पूरी परिक्रमा के टाइम पे। मैं तो मतलब कुछ तो भक्ति पर्पज से, बट मेरा तो इस तरह से रेस्ट जाता है। फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अरे भाई साहब काहे घुस जा रहे हो, भी कर ली है एंड लग करने एक मिला है, बट रुपीज 30 ओनली, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं। सो नाउ वी आर एट सती अनसुईया, ये भी एक मंदिर वाला ही प्लेस है। मेरी शक्ल में बहुत टायर्ड लग रही हूँ, मतलब आप ही सोचिए 5 किलोमीटर चलने के बाद एक इंसान की शक्ल कैसी लग रही है। मुझे इतना हर्ष बंगाल वाली वाइब्स दे रहे हैं। सो आप हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं, मतलब अभी हमें बहुत दूर तक फिर से पैदल ही चलना पड़ रहा है एंड आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, हमेशा की तरह।
10 रुपए। सो अब पापा बंदर को कुछ खिलाने दो। जूम तो नहीं है। तो ये है वो मंजिल जहाँ के लिए हम लोग तब से चल रहे हैं। काफी सुंदर है बट आई डोंट थिंक कि अंदर अलाउ करेंगे। एक तो ना मंदिर से कि सब यही प्रॉब्लम होती है, कोई अलाउ ही नहीं करता तो इतना सुंदर बनाते काहे को है जब फोटो नहीं लेने। यहाँ पे बहुत सारी फिशेज होती हैं, यहाँ पे बहुत ऐसा फिशेज का फूड भी मिलता है। गौर से देखिए इस बंदर को, इसी ने मेरे पापा के हाथ से खाना छीन के खाए जा रहा है। Now look at the fishes. पापा इधर पे डालो, ये पास में डालो, फोन में नहीं आ रहा। आई थिंक सो कि यहाँ पे भी आएंगी। It's very beautiful. इस बंदर को तो पापा से प्यार ही हो गया है। Look at these, ये सब fishes हैं। Okay, so this was the mandir from inside and the people were not allowing us to record. So, मैंने बहुत ही ज़्यादा चुपके से रिकॉर्ड किया। आई नो कि ये गलत था बट फिर भी मैंने किया। तो ये जो थोड़े छोटे से स्टैचूज हैं ये पूरी एक स्टोरी डिपिक्ट करते हैं कि क्या हुआ था एंड क्या नहीं। काफ़ी सारे स्टैचूज हैं, यू शुड विजिट। एकदम उसी पे कट होके बना हुआ है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कभी गिर के हमारे सर के ऊपर आ गया तो। फाइनली हम लोग अंडर से बाहर आ गए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने फरज से वीडियो बनाया, वहाँ पे पुजारी बैठे थे, हमें डांट भी पड़ी फिर भी आप लोग मिले, फिर भी मैंने किया। आई होप कि इस वीडियो को मेरे अच्छा रिस्पॉन्स मिले एंड पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, जाएंगे कि भी नहीं। आई थिंक आप हम लोग घर ही जाएंगे, देखते हैं। यस गाइस, आई हैव डन ईटिंग, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भूख लगी हुई थी, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता है कभी कभी ना मेरा फूड ब्लॉग्स बनाने का मन करता है बट रह जाता है। आई विल ट्राई किया है क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम से फूड ब्लॉग्स बना सकूँ। तो यार अब इसके बाद हम लोग कहीं नहीं जा रहे बिकॉज मेरे मामा और मेरी दीदी जो जिनके लिए हम लोग ये सब घूम रहे थे वो लोग को वापस से इलाहाबाद जाना है। उनको हम सीधा अपने घर जा रहे हैं। तो अब हम सीधा घर जा रहे हैं। तो इट मीन्स आई हैव टू एंड दिस व्लॉग, जो कि मेरा मन नहीं था बट आई हैव टू। सो ओके, दैट वॉज इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन टेल मी, देन मैं नेक्स्ट टाइम मैं पूरा चित्रकूट का व्लॉग बनाने का ज़रूर 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 ट्राई करूँगी। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड अ लॉट लाइक आई डिड। भले ही मंदिर वगैरह नहीं पसंद बट फिर भी आई एन्जॉयड ओके इन ईटिंग। ओके सो बाय बाय एंड लव लव।